Hello. Hi guys. Hello. Hi everyone. Welcome back to Unseen Fairy Tales. Hope you all are doing good. So friends, आज देख सकते हैं हम तीनों हैं एक नई जगह पे. दिख रहा है आपको कुछ नया है? क्या नया है पूजा? मैं आपको बता दूं, अभी बजे हैं इवनिंग के 4:25 एंड हम लोग कर रहे हैं लंच. तो हम लोग जस्ट पहुंचे हैं एंड पहले कर लेते हैं लंच और फिर मिलते हैं आपसे. फ्रेंड्स, ये है एस्पेन कैंट का रास्ता. स्ट्रेट जाना है ना? हाँ, स्ट्रेट ही जाना है. तीन बहुत ज्यादा है. बुझा फिर हाँ, दो ही डालो. एक मुझे भी दो, फिर एक कम रहेगी. फ्रेंड्स, ये है हमारी हाई टी. चिकन पकौड़ा. चिकन पकौड़ा नहीं, गैस करिए आप ये किस चीज का पकौड़ा है. कंफ्यूज पकौड़ा है. कंफ्यूज पकौड़ा जो कि हम खा खा के देर हो गए. पूजा, कितने पकौड़े खाए? पूरे के पूरे दो पकौड़े, जिसमें वो हालत खराब है मेरी. तभी तक कितने पकौड़े खा लिए? एक खाया और उसी में डेड. एंड अमिता, आपने कितने पकौड़े खाए? आधा पकौड़ा. तो फ्रेंड समझ जाइए आप कैसे हैं पकौड़े. भैया इधर इधर आके बताइए थोड़ा. हैवी पकौड़े हैं. देखो, दो प्लेट भर के लाए थे. मैंने दो पकौड़ा खाया है, इसने डेढ़ पकौड़ा खाया, उसने एक पकौड़ा खाया. पेट भर गया. ऐसे कैसे पकौड़े हैं, समझ रहे हो? और क्या सब्जी बब्जी में बनाते हो कैसे? हम तो ऐसे बनाते हैं, प्लेन आलू काट के चलते हैं. थोड़ी देर में यही कह रही थी, अभी थोड़ा वॉक कर लेते हैं. तो 7 बजे चलते हैं पूल में. बोलो ठीक है. हाँ, क्या जाएंगे? क्या पहाड़ है भाई, वाह. क्या नजारे हैं पूजा, वाह. वाह, क्या पहाड़ है, वाह. यार फोटो तो खींच लो. मेरी ले दे यार, जरा ले ले यार. चलो वहीं खड़ी रहे.
डस्टबिन से इधर आ, डस्टबिन। हां डस्टबिन। तो फ्रेंड्स यहां पे पूजा एंड कविता कर रहे हैं फोटो शूट, और दोनों ने क्लिक कर ली, कम से कम 100 एक फोटो तो क्लिक कर ली होंगी दोनों। खोल लो ना, खोल लो। नहीं खोल के पूरे हो गए भुंडे लगे कपीस। पेड़ पे लेती हूं मैं। हां बढ़िया आ रही है, देख अब मैं कैसी फोटोग्राफी करती हूं। देखो देखो चेंज कर फोटो। हेलो हाय गाइस, हेलो हाय एवरीवन। देखते हैं हम तीनों हैं एक नई जगह पे। दिख रहा है आपको कुछ नया है? क्या नया है पूजा? नया तो हमें लगा था यहाँ हम फर्स्ट टाइम कैंपिंग की उसके हिसाब से आए थे, लग्जरी कॉटेज एंड कैंप के हिसाब से यहाँ हैं। तो देखिए आप, जैसे आप देख सकते हैं लग्जरी कॉटेज भी है पीछे हमारे, और ये है इम्पीरियल कॉटेज, और इधर है टेंट। जो हमें एक्सपेक्टेशन थी वो हमें नहीं मिली हैं, जो हमें फ़ोन कॉल पे बताया गया था वो हमें एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई हैं। बताओ कविता क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी हमारी? दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है, अंदर जाकर बिल्कुल भी एसी नहीं चल रहा। अब इम्पीरियल कॉटेज जो सबसे हाई कॉटेज यहाँ के इम्पीरियल कॉटेज, उनकी कॉस्ट जो आपकी आती है 9000 पर नाइट का है। बट उसमें जो था इन्होंने फैसिलिटीज बताई थी, और एसी वर्क नहीं कर रहे हैं, वॉशरूम में पानी लीक हो रहा है, एंड यू नो कुछ भी अच्छा नहीं लगा हमें तो। बट कंप्लेन करी है, बट सॉर्ट हुई है, पर उतनी सॉर्ट नहीं हुई, मज़ा नहीं आया। कि आप इतना 9000 रुपीस पर कॉटेज दे भी पर नाइट का, बट उतना कोई वो नहीं था। जैसे आप देख ही सकते हैं कॉटेज देखने में बड़े अच्छे लगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये वाले कॉटेज है हमारे, उतने ही खराब है अंदर से, स्टोरी खराब है इनकी। स्टोरी खराब है, ये वो कहते हैं ना ऊपरी ऊपरी दिखावा और अंदर कुछ हो, वही सेम हाल है। कौन सी कहावत है उसके लिए? वो ये अपोजिट है फ्रेंड। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो बहुत हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ होता है ना, वही है। जैसे उन्होंने फोटोज वगैरह डाली हुई हैं, जो हमें फोटोज इन्होंने भेजी थी कि ऐसे रूम होंगे वैसे रूम होंगे ना। ASPN कैंपिंग, ASPN कैंपिंग इज यू नो हेट, आई लाइक यू नो आई जस्ट हेट। डिजास्टर है फ्रेंड, सच अ बिग डिजास्टर। आप इससे बढ़िया अच्छा है तपोवन में या शिवपुरी में अपना कोई भी होटल ले, ताकि आपको सब कुछ पास भी पड़े और आपको एक अच्छी डील भी मिले और सब कुछ मिले। कैंपिंग का कोई मजा नहीं है यहाँ पे, नो मतलब मैं तो बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ यहाँ पे। डिसअपॉइंटेड फ्रेंड। बस कंपनी अच्छी है तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। कंपनी हाँ, हमारे फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी है तो हमें अच्छा फील, अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील है। तो मैं तो यहाँ से आज ही चली जाती हूँ। आप इतना लंबा ट्रैवल करके आओ और भीड़ में फंसे, जाम में फंस के, ट्रैफिक में फंस के, और आपको आके यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन मीट ना होना तो बड़ा ही डिसअपॉइंटेड होती है सीरियसली। राइट। पकोड़े बनाए हैं, वो पकोड़े भी पता नहीं इन्होंने क्या ही बनाए, कहते हाई टी, आके हम बोलते हैं हाई टी लीजिए, हाई टी के नाम पे पता नहीं क्या था पकोड़े, ऐसे से समझ ही नहीं आया थे किस चीज़ के वो पकोड़े। हमने शेफ को स्पेशली शेफ को बुला के पूछा कि किस चीज़ के पकोड़े हैं, तब समझ आएगी पकोड़े किस चीज़ के। यस फ्रेंड शी इज राइट। तो बाकी एक्सपीरियंस हम आपके साथ आगे शेयर करते रहेंगे। फ्रेंड्स अभी है पूल टाइम, हम लोग आ गए हैं पूल पे। yes. और अभी चल रहा है हमारा फोटो सेशन जो कि पूजा ने करा है एकदम ही नंबर वन। हाँ ऊपर देख क्या चल रहा है, ए लाइट चल के पूल चल दिखाते हो। सो पूजा कैसा लग रहा है आपको, एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर अभी हाई लग रहा है बट थोड़ा सा अभी हो जाएगा शायद, लोग कह तो रहे हैं ये, बाकी देखते कितना रहता है कितना नहीं रहता है। देखिए आप पूल की लाइट बढ़ा, आप थोड़ी लाइटिंग होके जाते हैं। कविता एंजॉय कर रहे हैं पूल में। कविता कूद जाओ। हाँ। नहीं वैसे जाऊंगी मत जाइए, हाँ, हाँ, क्या पता डीप उधर से। हाँ, हाँ, फोन दे दे पहले मुझे, जाऊं मैं अंदर से। हाँ हाँ और क्या, जाए इससे इससे जाओ। ए वो सही है कविता, कविता वो सही है, वहां जा। अरे आराम से, पैर पानी अंदर, आप देखिए। कह रही ये दू
भैया ही चला दो ना फाउंटेन। और थोड़े गाने भी, सॉन्ग्स भी नहीं आवाज आ रही यार, क्या हो गया सॉन्ग्स? हमारा मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरीके का है और ये रास्ता है।